बार आपका स्वागत करना। कैमरामैन पे डाल दो, कैमरामैन भैया इधर। होगी वहाँ पे स्टेज लग जाए, हम यहाँ खाने खाते रह जाएंगे। कितना खुश है वो जूते ले जाते हुए। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, मैं वापस गांव आ गया हूँ क्योंकि आज फाइनल शादी है और इसी शादी के लिए हम उस टाइम भी आए थे। ये देखो यहाँ पे काफी प्रोग्राम वगैरह हुए पर हम तो यहाँ पे थे नहीं, हम घर पे काम कर रहे थे और अभी भी काम तो था पर शादी में तो आना पड़ता है। तो यहाँ पे पिताजी को लेने आए, वो देखो पिताजी तैयार हो रहे हैं। हाँ तो पापा को लेके चलते हैं और मौसी भी हमारे साथ आई है और नीतू बहन भी आई है और अब हम लोग चल रहे हैं शादी में। ये पिताजी चल रहे हैं, पूरे एकदम शादी वाला माहौल आ चुका है। अब चल रही है, मेरा ग्लास उड़ गया। हम लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं, आज पापा के साथ बैठे हूँ। सब लोग बैठ गए, मिठाई बड़ी अच्छी लगी। रेडी हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे औरतें बैठ के गाना गा रही थी। तू क्या देख रहा है भाई? हैं क्या देख रहा है कौन था? मैं अभी आया यार, तुम बैठे नहीं थे क्या जब मैं आया था? क्या हमारे प्रीतीश भाई आए? कोई कैसे भांजे, मैंने बोला वायर हीरो लग रहा है क्या? क्यों क्यों का क्या मतलब होता भाई? लग रहा है हीरो अभी और लगूंगा। अभी और लगेगा? हाँ, हीरो से ऊपर क्या होता है फिर? विलेन लगेगा, सुपर हीरो उड़ने लगना, स्पाइडरमैन सुपरमैन। ठीक है दोस्तों, ये फिर से मिली है, बात नहीं कर रही है। अब तो बात कर ले बहन, अब तो अपन चार बार मिल चुके हैं। भांजी बोले मामा रोटी खामा साथ बैठ के। हीरामणि दीदी उसको बताओ मैं हूँ कुछ उसका रिश्तेदार। मामा है दोस्तों, हीरामणि दीदी ने अपना नाम एक्सेप्ट कर लिया आज। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। और इसको मधुमक्खी ने काट लिया शायद। ये बच्चा मिला, हम इससे कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछने वाले हैं। ध्रुव पटेल पापा ज्यादा पसंद है या मम्मी? दोनों थोड़ी पसंद होते हैं, एक कोई पसंद होता नहीं, एक। जल्दी बोल पापा या मम्मी। अरे दोनों। अरे तो एक बोल दे कौन, उनको पता चल रहा, वीडियो थोड़ी भेजूंगा उनको, जल्दी बता दे। पापा या मम्मी? अरे दोनों। एक बोल। अरे दोनों। अरे जल्दी बोल दे, पापा का नाम ले दे, पैसे मिलेंगे, जल्दी बोल दे। अरे दोनों, पापा का भी तो आया है इसमें। कहाँ आया पापा का? अच्छा तूने मम्मी बोल दिया, ठीक है दोस्तों, इसको मम्मी पसंद है दोस्तों, हमको पता चल, आतंकवादी, इसको मम्मी पसंद है, इसने बोल दिया। अभी अपनी बातों से पलट रहा है। अब सुरेन चाचा देख रहे हो तो देख लो, चाचा तुम्हारा नाम मिल गया इसमें, इसको मम्मी पसंद है, कोई मम्मी क्या। हाँ बस अब तो हो गया काम खत्म ध्रुव पटेल, अब कोई मतलब नहीं। अब थोड़ी मिला, क्या नाम है अपना? क्या जल्दी नाम बता, जल्दी नाम बता। पापा नाम है? अबे तेरा नाम क्या है? शिवाय। पापा पसंद है मम्मी? पापा। दोस्तों देख लो, इसकी मम्मी अगर ये वीडियो देख रही है, आंटी आज इसकी पैंट उतार के पोंदी पोंद पे मारना है इसके, आज बच्चा पकड़ा गया है। इतने सारे बच्चे मिले थे, सब काम पे लगे हुए हैं, दिखाना क्या किया अपन ने, नए नए मोबाइल पकड़ के ला रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे चैनल सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो एप्पल की शर्ट पहनी है, दांत तो दिखा तेरे, मुंह खोल जल्दी जल्दी मुंह खोल। बोल तेरा नाम क्या है? क्यों नाम क्या है? दोस्तों पूरा गैप है उसमें, बेचारा कुछ खाता तो बाइट नहीं कर पाता। कपड़े लेके जाऊंगा ना तो मैं जाऊंगी नहीं वहां बारात में, बारात में जा रहे हैं वो लोग, चले जाऊं ठीक है, तो ये रख के जाऊंगा। हाँ गाड़ी में ठीक है। हाँ 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 तो दोस्तों क्या बारात में मजा आएगा कि नहीं? अरे एक नंबर आएगा ना। ठीक है तो चलो चलते हैं दोस्तों। इन लोगों ने काले कपड़े पहने, ये भी काले लेके आए, इनने मुझे नहीं बताया, इसके सारे भाई भी काले पहन के घूम रहे हैं। ऐसी माता पूजन पे किया था इसने, सफेद पहन के आया था, खराब आदमी। लाल मोर बन के घूमे थे अपन, तो मेरी मम्मी पे गलती डाल रहा है, मम्मी की कभी गलती नहीं होती, समझ में आया? मम्मी हमेशा सही होती है। दोस्तों उधर से बारात आ रही है और जा रहे हैं बारात का स्वागत करने, पर हमारे पास पान पराग नहीं है। बारात का स्वागत पान पराग से कीजिए, बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। चलो काका जी। मतलब क्या करना है, बारातियों का स्वागत कैसे करना है? वो देखना है हमारे पर, जयराम जी, जयराम जी, ठीक है ठीक है, समझ गया ठीक है, बाकी तू देख लेना है ना। जी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जा रहे हैं, ये आया है एक बारात का स्वागत करने, एक ये आया है और ये लोग तो पहले के ही खड़े हैं भैया, हमारा दो तरफ। तुम लोग भी बारात का स्वागत करने खड़े हो ना? ठीक है ठीक है ठीक है,
उनका हमारा दो तरह का रिश्ता है ना यार। अपन बहुत कम लोग नहीं है क्या स्वागत करने के लिए? आ रहे बस बरात तो आए। ठीक है दोस्तों, फूल बरसाना, इतने फूल बरसाएंगे। पहले मेरे हाथ में तो आए फूल लेके, तो सब इधर खड़े हो गए, मैं बाहर खड़ा हूँ। इससे पूछ रहा हूँ तो ये कह रहा मेरी वीडियो बनाना पहले डांस की, मेरे को पता चल नहीं रहा करना क्या है मुझे। फूल नहीं बरसा सकता, मेरे हाथ में कैमरा है क्योंकि, तू को डाल लेना ठीक है मेरे हिस्से के। हाँ ठीक है ठीक है, तो मेरे हाथ के भी डाल देना, आपके खत्म हो जाए तो आप भी मेरे हाथ से डाल देना। दोस्तों ये फूल पकड़ के खड़ा रहेगा, मैं बरसा दूंगा इधर आ जाओ। बस हो गई दोस्तों, जुगाड़ हो गई, जुगाड़ हो गई। अच्छा आ गई क्या बारात? अरे ये तो अपनी वाले, अरे मेरे ऊपर नहीं गए। शूटर चालू है अपनी गन लेके। पूरे फूल पुराने आ रहे थे यार, पूरे उसमें पुराने पड़ेंगे, मजे आ रहे हैं आज तक मेन मेन इंसान को करते हैं। मजे आ रहे हैं, कुछ भी कहो मजे आ रहे हैं। सेलिब्रिटी नहीं आता, स्वाहा बोलना आता है बस। स्वाहा कैमरामैन पे डाल दो, कैमरामैन यार ये टूटे हुए नहीं है पूरे। अंकल के टकले पे पड़ गया टारगेट के लिए। फूल अच्छा दूल्हे के लिए रखे बचा के, ओके ठीक है। अरे वो तो वापस फूल मार रहे हैं। तो देखिए चाचा जी हैं, ज्यादा फूल बचे नहीं है, दूल्हा आने वाला है। दूल्हे के पापा तक को नहीं छोड़ रहे यार, दूल्हा तो आए नहीं, फूल खत्म हो गए सबके, सब इसका क्या करूं? दूल्हे के लिए बचा के रखे इनने, इसलिए बचा के रखे थे। तो दोस्तों भांजी कितनी सुंदर लग रही है पर ये बात नहीं करती है, क्यों भांजी? भांजी किस बात का एटीट्यूड है भांजी तुम में? हेलो क्या हुआ? वहाँ पे जा रहे हैं कुछ फंक्शन में, मम्मी ने फोन लगा के बुलाया है, कुछ अर्जेंट है। क्या करने जा रहे हैं अपन? पास में जल छोड़ने जा रहे हैं। जल छोड़ने अपन को? ठीक है चलो जल छोड़ेंगे। देखो दोस्तों खूब भीड़ है, मेरे को खुद को नहीं दिख रहा कुछ। भीड़ लगा के कर रहा है, इससे कुछ फायदा होता है क्या? क्या मुझे नहीं पता। क्या इतनी भीड़ क्यों लग रही है? आराम से क्यों नहीं कर रहे?
इतना धूमधाम के हो रहा है इधर। चल ये जो अभी अपन ने पानी चढ़ाया इससे अपन को कुछ फायदा मिलता है क्या? मिलता है ना, तो पुण्य मिलता है। अच्छा पुण्य मिलता है, इसीलिए सब लड़ झगड़ के पानी चढ़ा रहे थे। ये देखो दोस्तों गाड़ी के पीछे कितना बढ़िया लग रहा है, नाइस। वही मैंने सोचा सब लड़ झगड़ के पानी चढ़ा रहे हैं, कुछ फायदा होना चाहिए। नहीं होगा, होगा तो भी होगा। ठीक है ठीक है दोस्तों, पुण्य के लिए लड़ाई हो रही थी। क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, ये आ गया छोटू। हो रहा है दोस्तों, उधर स्टेज लगी नहीं है, खाना पहले होने लगा है और इतने सारे लोग खड़े हैं खाने के इंतजार में। मैं भी खड़ा हूँ कि इस वाली लाइन उठेगी फिर हम बैठेंगे। तो सबसे बढ़िया चीज़ गुलाब जामुन आ गई है और हम लोग यहाँ पे खाना खाने लगे। फिर ये कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पे स्टेज लग जाए, हम यहाँ खाने खाते रह जाएं। बल्कि अपन जल्दी आए, लेकिन मीटिंग क्या चाहिए। ये देखो दोस्तों, ये मेरे घर के बच्चे हैं और ये मुझे देख के रो देते हैं। क्या हो गया प्रज्वल सिंह पटेल? प्रज्वल सिंह पटेल क्या हो गया? अरे बाप रे, नहीं ले जा ले जा ले जा। एक ये है बच्ची, बोलती नहीं है। मोटू देखो तो हीरो, क्या आवाज है ये। शर्मा जाता है मोटी। नहीं जाता, वो मेरे पूरे दांत दिख जाते हैं ज्यादा। नहीं अच्छा लग रहा है कि दांत ही फाड़ रहा है। तुम लोग सब प्लानिंग कर करके पहनते हो ना? काला तो मैंने तुमको बोला था, मम्मी को बोला था काले वाले पहना। क्या पता कब बोल देते हो, बाकी मैं ब्लेजर पहन लूंगा तो वैसे भी काले ही हो जाऊंगा। बंद कर लेना बटन। हाँ बटन बंद कर लूंगा। ठीक है पहले कह देते डाई करवा लेते हैं। अब कब कब चालू होगा स्टेज फंक्शन? बस 10 मिनट में इकट्ठे हो जाए भाई लोग। चाचा लग रहे हैं सही हीरो तो। दिल्ली है जोधपुरी। हाँ देखा था मैंने ना खोपड़ी पे। वो नहीं देखा मैंने, पर चाचा हीरो लग रहे थे। वो साफा। हाँ अभी साफा नहीं। दुल्हन को समझा रही है कि कैसे शूट करना है। सबने सबने ब्लैक ब्लैक कपड़े पहने। भाई देख लो बंदूक सीधी हो गई है। काले काले कपड़े पहन के खड़े। नहीं बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल हीरो। देखिए चाचा एंट्री। देखिए क्या बढ़िया एंट्री हुई है। दोस्तों अभी एंट्री करके अब जा रहे हैं। क्या? हाँ मैं यूट्यूबर हूँ। तो अभी क्या कहते हैं एंट्री हो गई, शूट वूट कर लिया अपन ने, अब जा रहे हैं ब्लेजर लेने दोनों भाई। हाँ ब्लेजर पहनेंगे क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर दिख रहे हैं शादी में, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात। दोस्तों पटाखे फूट रहे हैं और यहाँ मैंने ब्लेजर पहन लिया, इसका ब्लेजर अभी आ रहा है, वेट कर रहा है। और ये बढ़िया पटाखे। हाँ कुछ बोल रहा था। बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं। तो ये चाची हैं, ये मम्मी है। देखी नहीं एंट्री? नहीं देखी इतनी बढ़िया एंट्री? नहीं देखी? बताओ अंदर बैठे रहेगा तुम लोग। कैमरामैन वो सब फोटो खिंचवाने के लिए खड़ी है। तो मैं अभी आया और मुझे पता चला वरमाला हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया मैं, क्या पता कहाँ घूम रहा था मैं। अब कोई मतलब नहीं, अब चलते हैं। पर दोस्तों जिसने शूट करी थी मैंने उससे क्लिप ले ली, देख लो वरमाला। शादी में आ गए हैं, बधाई हो आपको भी, बधाई हो।
वहाँ पे कैमरेमैन के बाजू में एक लड़का था, उसको अपना मोबाइल दिया कि भाई फोटो खींच देना, उसने एल्बम बना दिया, 20-25 हज़ार फोटो खींची है। और अभी हम दोबारा खाना खाने बैठ रहे हैं, क्यों? बिल्कुल हम दोबारा बैठ रहे हैं क्योंकि हमारा एक भाई लेट आया है, तो उसको अकेला फील होगा, तो इसलिए हम दोबारा बैठ रहे हैं। चलो गाइस फिर से भोजन करेंगे। तो हमें वानी मिली है। वानी दांत कहाँ गए अपने? कौन सी क्लास में हो? बहुत बढ़िया दोस्तों, जोश जोश में खाने तो बैठ गया, एक पूड़ी खा के हालत टाइट हो गई मेरी, पिछली बार ज़्यादा खा लिया था, अब खाते नहीं बन रहा। तू तो खा, तू क्या देख रहा है? ऐसे आजू बाजू वालों को एम्बेरस कर देता हूँ दोस्तों। उस पिछली बार जब खा रहा था, पीछे से एक बच्ची देख रही थी, उसको झूठ कर दिया, क्या बोल रही? घबरा गई बेचारी। तू क्या देख रहा है छोटू? दोस्तों ये मम्मी की दोस्त है। मम्मी तुम्हारी दोस्त तो बहुत छोटी है। और क्या, मेरे बराबर हो गए मेरे दोस्त? तुमसे ऊपर ही जा रही है। नीचे कर लिया। फोटो खिंचवा ली दोस्त तुमने? खाना खा लिया? तुम्हारी दोस्त के दो दांत कहाँ गए? बोले है। क्यूट है पर तुम्हारी दोस्त। ये दोस्त के भाई बहन है। ठीक है दोस्त, जाएं हम। इतनी मोटी चेन पहनी है बेटे, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी चेन कोई उछाल लेगा? क्यों, मुंडी चली जाएगी तुम्हारी? अरे पहने रहने दे भाई, पहने रहने दे। ऐसे उतारते थोड़ा ना है, बच्चे सीरियसली ले लेते हर बात को। दोस्तों इनके साथ फोटो खिंचवाने, एक बार खिंचवा चुका हूँ मैं, पर फिर से जा रहा हूँ इनके साथ। ये देखो हीरो, फिर से जा रहा हूँ मैं, एक बार खिंचवा चुका हूँ फोटो। हाँ देखिए, बड़े बुजुर्ग उनको छोड़ने जा रहा हूँ अभी मैं, और फिर वापस आऊँगा शादी में, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को जल्दी घर जाना होता है ना, तो उनको छोड़ने जा रहे हैं। फिर अभी एक तो बाल ऐसे खराब हो गए मेरे, मैं स्टेज पे जाके फोटो खिंचवा के आया हूँ ऐसे खराब बालों में, और ये बाल जिस दिन ज़रूरत होती है उसी दिन खराब होते हैं, इनकी स्पेशलिटी है ये। दोस्तों बाबू जी को छोड़ के अभी आ गए हैं, और पापा को भी, और अभी हम लोग वहाँ अंदर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फोटो खींचेगी अच्छी। छोटू बोल रहा था अच्छी फोटो आएगी वहाँ पर, क्या पता किससे चैट कर रहा है, पूरे रास्ते भर से चैट कर रहा था दोस्तों, मुझे तो शक है इसके ऊपर, क्यों किससे चैट कर रहा था? बिल्कुल डर ही नहीं है दुनिया का दोस्तों, मोबाइल निकाल के दिखा देता है। दूल्हा दुल्हन ने इतनी फोटो खिंचवा ली कि हालत खराब हो गई है, पर ये लोग अभी भी नहीं छोड़ रहे। कितनी और खिंचवाओगे भाई? हो गया दोस्तों, फिर से स्टेज पे आ गए हूँ छठी बार फोटो खिंचवाने, चार पांच लोग पहले भी बुला चुके हैं, छठी बार आए। ये हमारे चाचा जी हैं, टीचर है। देखो दोस्तों चाचा हीरो बन के घूम रहे हैं। दोस्तों ऐसा पति होना चाहिए। अरे इतना प्यार होगा कि जान दे दे एक दूसरे के लिए। जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए, छोड़ेंगे नहीं। भाभी का कॉल आता है, दौड़ता हुआ जाता है भाई। है भाभी यार, प्यार हो गया प्यार। सब भाई जा रहे हैं, सौरभ भाई, भाभी भाभी नहीं जा रही? नहीं नहीं, अभी तो बोल रहा था कि जान दे देंगे, अब तो छोड़ के जा रहा है। यार देख तो ले यार कैमरे की तरफ यार, तू तो यार वो वापस आ गया, वापस आ गया, वो ब्लॉग के लिए गया था बेचारे। सौरभ भाई बोल के गए थे कि काट देना, मैं वापस आया, वो हम कद्दू नहीं काट रहे लॉल, और ऊपर से ये बोल रहे कि ऐसा बोल देना। अब बोल, अब बोल कैमरे के आगे बोल। बोलूंगा ना सौरभ भाई का, वीडियो मत काटना, बोल देना गलती से सौरभ भाई गलती से डल गया, नीचे लिख देना दोस्तों भाई लॉल। इसकी आवाज गवाही दे रही है कि ये दुल्हन का भाई है, बैठ चुका है बेचारा। हाँ अरे ये मम्मी लोग ये बहुत चेट कर रहा था। मंत्र याद कर रही हो क्या? क्या दोस्तों फोटोग्राफर ये जो घूम रहे हैं, ये मेरे पास दो बार आए फोटो खिंचवाने, और जब भी ये फोटो खींच रहे थे मैं इधर देख रहा था, ये उधर देख रहा था। फिर को ये रोज किसने दिया? क्या शर्मा कितनी रही है, शर्मा कितनी? ब्लॉग बन रहा है। हाँ हाँ, फंक्शन शादी हो रही है, मतलब शादी का फंक्शन। ये क्या हो रहा है अर्जुन? तो आ मैं कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहा था यार। ये देवताओं को जगा रहे हैं जो सो चुके हैं। अच्छा ये बच्ची बड़े ध्यान से देख रही है, आगे खड़े हो गए, रेडू वीडियो बना रही है। अच्छा वीडियो बना रही है, क्या बात है। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। ये डलेगा परसों,
फेरे का कुछ सिस्टम हो रहा है कि कौन तुझे फेरे लेगा आगे। मोंटी कहाँ गया? मोंटी सुपड़ा पकड़ने गया। मोंटी सुपड़ा पकड़ने गया, वो तो बहुत दूर था। कंफ्यूज है मोंटी, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरी आंख लाल भी। सेना खड़ी हो गई है तैयार फूल फेंकने के लिए। तेरी फुंसी तो अभी भी है, फुंसी साफ करके नहीं आई तू? थोड़े से गाइस, इतने कितने फूल ले जा रहे हो गाइस तुम? अब तो बचे ही यार। अरे मेरे कान में फूल भर रहा है, तेरे को बताऊं? लाइट मत गिरा देना। अरे लाइट के सामने मत आओ। लाइट के सामने मत आना, लाइट के सामने बाजू हो जाओ थोड़ा सा, कैमरामैन को फोटो खींचने दो। हाँ उस साइड चल लेते हैं, चलो उधर चलो सब। छोटू हर्षित इस साइड आ जाओ, इस साइड कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरे फूल ही खत्म हो गए। डालो आप भी वीडियो पर बनाओ, आधे बनाने। अरे वीडियो बनाने दे मुझे, मेरे काम धंधे के बीच में नहीं आएगा, समझा? आऊंगा मैं, इसमें बैकअप प्लान है। अम्मी जान के करती थी धंधा। काम का आग दिख रही है तेरे को, वहीं फेंक देता हूँ मेरे काम धंधे के बीच में जो आता है। मेरे आधे फूल तो ये भैया के सर पे, आधे फूल तो ये भैया के सर पे मेरे। कोई दिक्कत नहीं होगी, एक दिन आपकी भी शादी होगी, एडवांस में फूल ले लो। ये स्नेहा मार रही है फूल है ना? नहीं तो कौन ये मार रही है? ये क्लिप दोस्तों मैंने अपने एक भाई से शूट करवाई थी, जहाँ पे मुझे पैर धोने होते हैं बहन और जीजाजी के। पर मेरे भाई को पता नहीं था कि ये व्लॉग के लिए उसको टेढ़े में शूट करनी है, उसने लंबे में कर दी। पर ठीक है, भाई ने एटलीस्ट शूट कर दी। तो ये देख लो, मैं आज घबराया नहीं और मैंने आज अच्छे से जो रस्म मुझे करनी थी वो करी। अरे यार मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया, ये आई गए। अरे मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया यार दोस्तों, पैर धोने की रस्म चल रही है, मैं पैर धो के आ चुका हूँ। अभी सब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, ये तो लेट आए थे ये लोग, तो ये थके नहीं हैं, ये बढ़िया एनर्जेटिक बैठे हुए हैं। प्रतीश को व्लॉग में ज़रूर लेता हूँ दोस्तों, मैं कभी नहीं भूलता। हाँ चाचा जी क्या चल रहा है? बस बढ़िया। थके नहीं चाचा जी आप आज? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मस्ती करी खूब? यस। प्राउडली मस्ती करते हो चाचा जी? हैं नहीं, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं। हाँ आज मस्ती का दिन था। बढ़िया, एक्चुअली कन्यादान हो रहा है, इसने मुझे बाद में बताया, ये व्लॉग के बीच में नहीं बोल पा रही थी, ये बाद में कह रही है बोलो कन्यादान हो रहा है। मैंने कंफर्म करा पहले। अच्छा इसको खुद भी क्लियर नहीं था मतलब? हाँ, अभी ठीक है, एक बार और करती हूँ कंफर्म। सारी रस्में हम पूछ पूछ के बता देंगे दोस्तों, हमें खुद नहीं पता। पर ये ध्रुव पटेल है, बहुत मस्ती करता है, इसीलिए उसको बीच में ही दबोच लिया गया। दोस्तों जूते चुराई हो रही है, वो बेचारे जूते ढूंढ रहे थे, उनके हाथ में सैंडल दे दी, वही खींचने लग गए। तू तो लड़की की बेस्ट फ्रेंड है, तू क्यों नहीं जा रही? हाँ बहन भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है ना, तू भी तो है बहन, तू क्यों नहीं जा रही? वो जूते चुराई के बाद में हमारा। अच्छा अच्छा खटास हो जाती है। जूते कहाँ गए, चोरी हो गए क्या? हो गए चोरी हो गए? तो तू तो बैठी रह गई। अरे यार ये लोग मुझे वो जा रहे जूते को, कितना खुश है वो जूते ले जाते हैं। जूते वापस मिल चुके हैं दोस्तों, क्या पता कितने पैसे में बात बनी है। तू इधर क्या कर रहा है, क्यों तू नहीं गया जूते चुराने? अब
फोटो देख रहे हैं हम लोग। अरे जूते नहीं चुराने तुझे, शादी बार बार आएगी क्या? मेरे को पड़ोस नहीं दिया, बड़ा हूँ मैं, मेरे पास जूते क्या चुराने थे। कितने रुपए में बात बनी? क्या पता 51,000 मांग रहे थे। 51,000 कितने होते हैं पता भी है? पता है ना, पांच रे फटे जोक मार के हंसने वालों से मैं बात नहीं करता। कोई शख्स को ये लोग 51,000 मांग के आए यहाँ से ये अमाउंट सुन के 5100 मिलेंगे इन्हें, और इनको भी पता है कि नेगोशिएशन मिलेंगे सिर्फ 51 रुपए। बेचारों ने इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदे, सब ये आज ही वसूल लेंगे यहीं से। क्या क्या हो गया अर्षद भाई? दुल्हन को? यस। तो दुल्हन को तो पूरा दूल्हा मिल गया। नहीं है, उसने घर पे बोला था। अच्छा। अरे पैसे दे दो यार। ये कमेंट्री चल रही है यहाँ पे लाइव। पीसली लो जूती दी दो। और क्या? सीधा काम। बोल रही थी रोएगी नहीं, रोली रोना तो आ ही जाते। मुझे चाचा नहीं, मैं थोड़ा सा आया था, मेरे को ऐसे आंखों में आंसू आए थे। नहीं आए बिल्कुल, आए थे रे, झूठ बोल रहा दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा आया था। लगाव नहीं है। आया था, मैं रोया था थोड़ा सा, मतलब मेरे को आंखों में आंसू आए थे ऐसे। ठीक है, देखो मेरे अभी भी है ऐसे। अब भाई तू बेस्ट फ्रेंड है उसकी, तेरे को नहीं आएंगे तो किसके? तेरे को ना आते तो गलत होता। मेरा मेकअप गंदा भी है। ठीक, मेकअप करना भी है, डरना भी है, गंदा भी दिखेगा। बताओ, जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। वही आज शादी का आखिरी दिन था, बाकी लड़के वालों की तरफ से एक और रिसेप्शन है 5 तारीख को, तो शायद मुझे दोबारा आना पड़ेगा। गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी लेके आते हैं बाकी हम। और आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।